चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं और शिव पूजा नाम है जो कि झारखंड से हैं। जब आप इनकी स्टोरी सुनेंगे तो डेफिनेटली आप में से कोई भी स्टूडेंट जिसका कि कॉन्फिडेंस कम हो रहा है वो शिव की स्टोरी सुन के मोटिवेट हो जाएगा। क्योंकि शिव के साथ जो हुआ वो मैं बता दूं कि निब सेट में शिव की रैंक आई 1085। काफी टेंशन में हुए क्योंकि एग्जाम में सब कुछ अच्छा पढ़ा था पर प्रेशर में आने की वजह से रैंक बिगड़ गई। उसके बाद क्या किया जाए तो फिर शिव ने बात की, फिर उसके बाद इन्होंने डीयू दिया जिसमें ऑल इंडिया 13 रैंक है 1-3। उसके बाद बीएचयू ऑल इंडिया 91 रैंक, जेएनयू ऑल इंडिया 19 रैंक और सीईटी महाराष्ट्र 27 रैंक। यानी निमसेट की रैंक बिगड़ने के बाद भी इन्होंने अपने बाकी सारे एग्जाम्स को संभाला और न केवल संभाला सारे एग्जाम में टॉप किया। अब फाइनली डीयू ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि डीयू एक अच्छा कॉलेज है। तो शिव सबसे पहले आपको इन सारी रैंक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो शिव आपकी जो स्टोरी है वो थोड़ी सी हटके, आपने सीईटी महाराष्ट्र में, जेएनयू में, बीएचयू में और डीयू में सब में अच्छा परफॉर्म किया पर निमसेट में आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप अपने इन एग्जाम की सक्सेस स्टोरी बताएं, उसके पहले आप बताइए कि निमसेट के समय ऐसा क्या हुआ, क्योंकि कई बच्चे प्रेशर में गलती करते हैं। अच्छा, कई बच्चों के जब निमसेट बिगड़े तो भी मैंने उनसे ये कहा था अभी हमारे पास बहुत सारे एग्जाम है, ऑप्शन है, पर वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। तो पहले तो निमसेट में ये रैंक आने का रीजन, फिर अपने आप को आपने कैसे तैयार किया मेंटली और फिर इतनी अच्छी अच्छी हर जगह रैंक लेके आए। सर कॉज तो स्टार्टिंग से ही था एक्चुअली। मैंने 2020 में पास आउट हुआ था मैं ग्रेजुएशन, तो उसके बाद प्लेसमेंट्स अच्छे आए नहीं थे कॉलेज में बीएससी में, तो ऑब्वियसली मैंने इसलिए ट्राई किया कि अच्छा कोई आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाऊं, तो एमसीए कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तो मैंने स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी ट्राई किया कि मुझे ऐसा लगा कि सेल्फ स्टडीज में क्रैक कर सकता हूं, तो मैंने अपना बेस्ट कोशिश किया। और अब इसका पर ये टाइम कोरोना का टाइम आ गया थोड़ा, तो मूवमेंट वगैरह हो गया वैसा और सिचुएशन थोड़ी खराब हो गई, तो सर प्रिपरेशन में थोड़ा डिफिकल्टी आ गई और सेल्फ स्टडी में थोड़ा वो पैटर्न नहीं रह गया तो थोड़ा हो गया। पर फिर भी लास्ट ईयर मैंने महाराष्ट्र सीईटी क्रैक किया था, मेरा 102 रैंक आया था और मेरे को विजेटीआर पुणे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहे थे। बट सर वो होता है ना, और चाह होती है करके लाइक अच्छा कॉलेज के लिए ट्राई करते एक बार और ट्राई करते, क्योंकि मैंने तब बेस्ट नहीं दिया था अपना, ठीक है। हाँ तो सर मैंने भाई क्लासेस कोचिंग वगैरह देखना यूट्यूब में वगैरह ट्राई किया सर्च करना, तो सर आपका कोचिंग मिला तो वहां से ज्वाइन हो गया। कभी कभी सोचता हूँ कि लास्ट ईयर ज्वाइन 2020 में ज्वाइन किया तो शायद अभी एनआईटी में हो सकता था। बिल्कुल सही बात है। आपने जो सेल्फ स्टडी की, क्या होता है मेरा अनुभव ये है कि सेल्फ स्टडी में प्रॉब्लम नहीं है पर कई बार वो डिसिप्लिन या अपने असेसमेंट हम प्रॉपर नहीं कर पाते। जैसे आपने 20 के एग्जाम के तुरंत ही ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया था, देखिए उसका फायदा भी मिला। आई थिंक पहले करते तो हो सकता उस समय भी आपको फायदा मिलता। तो सर फिर उसके बाद अब मैंने मतलब अपना बेस्ट, क्योंकि मैंने एक साल ड्रॉप ले चुका था तो प्रेशर बन रहा था मेरे पे कि अब मेरे को करना है, तो मैं ऑलमोस्ट आपने जैसा बताया था आपका पूरा फॉलो किया, 8 to 12 आवर्स ऑलमोस्ट स्टडी कर रहा था और पढ़ते पढ़ते लाइक अब जब एग्जाम्स के टाइम आ गए तो मैंने एग्जाम्स के पहले प्रेशर बना लिया पता नहीं क्या चीज का कि वो 8 to 12 आवर्स मेरा वेस्ट ना हो जाए करके जो इतना मेहनत किया है। तो एग्जाम में ऐसा हो गया कि मैं क्वेश्चंस को बहुत देख देख के चला रहा था, मतलब जो आते हुए क्वेश्चंस थे उसे भी बार बार कर रहा था। तो सर आपकी बातें फिर बाद में याद आए कि उस टाइम पे क्लिक क्यों नहीं हुआ मुझे ये सब चीजें, मतलब प्रेशर बिल्डअप हो गया था तो मैंने पेपर खराब कर लिया। तो सर फिर उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ, मतलब जैसे पढ़ने लगा फिर फैमिली प्रेशर कि अब तेरा कुछ नहीं होना है वगैरह वगैरह, पर सर प्रूव करना था कि मैंने मतलब मेरे को सर सर की यादें बातें याद आ रही थी प्रतीक सर की, जब उन्होंने बोला था कि उन्होंने जब आईआईटी क्रैक किया था तो वो एक दिन पहले भी वही थे और एक दिन बाद भी वही थे, तो मैंने जो 8 से 12 घंटे पढ़ा है वो मेरा कहीं गया नहीं है, मैं पहले भी वही हूँ और अभी भी मेरे दिमाग में है। अब एक एग्जाम फेल होने से मेरे दिमाग से चला नहीं गया है सर। तो सर वो डिप्रेशन का टाइम था, मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्राई किया, फैमिली ने भी थोड़ा कुछ कुछ लोग थे तो पुल अप किया मुझे, मैंने भी अपने अंदर थोड़ा ट्राई किया निकलने का उस जगह से। और एग्जाम्स में अब मेरे पास प्रेशर नहीं था, अब मेरे को था ऐसा कि अब मेरे को जो आता है मैं वो करूंगा, क्योंकि जो मेन था मतलब मेरे को ऐसा था कि अब जो आता है मेरे पे है ना, अब ऐसे तो खराबी हो गया है मेरा, मतलब सबने टाइटल तो लगा ही दिया कि अब तुमने बेकार कर लिया अपना एग्जाम वगैरह वगैरह, है ना। तो हाँ, तो मैं अपना सिर्फ बेस्ट देने का ट्राई कर रहा था। तो सर मैंने जितने एग्जाम हुए सब में मैंने सिर्फ अपना बेस्ट दिया, मैंने कुछ होप नहीं रखा। जैसे निमसेट में मैंने होप रखा था कि सर मैं ये टारगेट करूंगा, और मैंने प्रेशर जो बिल्डअप कर लिया तो उससे मुझे नुकसान हुआ, तो मैंने कोई होप नहीं रखा, मैंने अपना बेस्ट दिया सर।
बेस्ट देने के बाद सर रिजल्ट आया है अभी वैसे ही। शिव देखो, आपने आपकी मैंने बातें सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर साल आप देखो पढ़ते हो मुझसे, आपने ऑनलाइन पढ़ा पहले तो, आप 2020 में जो सेल्फ स्टडी करी उसका भी फायदा तो मिला, पर अगर आप उस समय ज्वाइन करते तो और फायदा होता, पर एनीवे फिर आपने 21 स्टार्ट होते ही ज्वाइन कर लिया, फिर आपने ऑनलाइन से पढ़ाई की। आपका मैंने पढ़ाई परफॉर्मेंस सब देखा था, आप निमसेट में भी टॉप करते जैसा आपने बाकी एग्जाम में किया, पर आपने पहले से प्री प्लान, जो मैं कहता हूँ प्री प्लान कुछ नहीं होता कि मुझे इतने क्वेश्चन इसके करने, इसके इतने करने, इसके इतने, और एक पूरा इनडायरेक्ट माइंडसेट बना लिया था। माइंडसेट और एनवायरमेंट ऐसा प्रेशराइज कर लिया कि आप उस प्रेशर में निमसेट की रैंक बिगाड़ बैठे। पर आपने एक अच्छी बात बोली जो हर किसी को सुनना चाहिए कि अगर हम में नॉलेज है तो आज है तो कल भी, एक एग्जाम के रिजल्ट से कोई अच्छा बैट्समैन, मान लो सचिन तेंदुलकर जीरो पे आउट हो जाए, इस डजेंट मीन कि वो अच्छा प्लेयर नहीं है, वो कई बार जीरो पे आउट हुआ, पर सेंचुरी तो हर बार वन से ही स्टार्ट करनी होती है। आपने उस बात को समझा, या अच्छा बॉलर किसी मैच में विकेट नहीं ले पाए, इस डजेंट मीन कि वो बॉलर अच्छा नहीं है। तो आपने सबसे पहले तो एक अच्छा काम किया कि आपने उस बात को संभाला कि मुझे आता है जो 8 से 10 घंटे पढ़ाई की, अदरवाइज नहीं तो लोग स्पेशली डीयू को लेके बहुत ही निगेटिव होते हैं कि सर क्या होगा ये सिलेबस। और मैंने अपने यहाँ कंप्यूटर्स के सबसे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए डीयू में, और सबसे एक ही बात बोली थी, जो निमसेट में आता है वो कराओगे तो भी हो जाएगा, और देखो वही हुआ। तो आपने सबसे पहले डीयू में 13 रैंक दी, बीएचयू में रैंक दी, जेएनयू में रैंक दी, सीईटी महाराष्ट्र में रैंक दी, और ये इसलिए क्योंकि आपके पास नॉलेज थी। निमसेट में केवल प्रेशर के वजह से ये हुआ। अच्छा, अब आप अपने डीयू बीएचयू जेएनयू के भी जरा एक्सपीरियंस शेयर करो, बच्चों को काफी जानने की उत्सुकता रहती है कि आपने डीयू में क्या किया। जैसे डीयू में आपके 112 नंबर आए आउट ऑफ 200, बीएचयू में 226 नंबर आए, जेएनयू में 75 नंबर आए, तो इस इन पेपर्स को देते समय आपका फील क्या था, क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की, या जो निमसेट की प्रिपरेशन की उसी से आपने कैसे अपने, क्योंकि जैसे मैंने देखा कई बच्चे बोलते सर हमने जामिया की टेस्ट सीरीज ले ली, जेएनयू की, पर वहां कुछ मिला नहीं। मैं बोलता आप मिसगाइड हो गए, क्योंकि कुछ अलग करना नहीं होता। तो सर जो 8 से 12 जो आपने पढ़ा है पूरा साल भर, वही आप 1 महीने में कुछ नहीं कर सकते, 1 महीने में कुछ होना नहीं है। सही बात तो आपको है। आपका आपने जो बेस्ट प्रिपेयर किया है उसके पीछे जाओगे ना तो काम आता है, मतलब वही चीज आपको निकालने में मदद करने वाला है, बाकी कुछ नहीं हेल्प करने वाला है। तो मैंने अपना वही जो मैंने किया था मैंने उसको और शार्प किया और ट्राई किया, और मैंने फिर उधर जाके जो क्वेश्चन आए जो मेरे से बने मैंने वो किए, तो उधर मैंने वैसे ही मतलब जितना पहले प्रिपेयर किया था उसी को और अच्छा किया मैंने, मतलब ताकि मैं उसमें तो कॉन्फिडेंट जाऊं, जो मेरे को आता है उसमें तो कॉन्फिडेंट जाऊं मैं कम से कम। बिल्कुल सही बात है, यानी आपको जो आता था, मैं वही बोलता हूँ कि 1 महीने में आप नया करोगे तो जो आता है वो भी खो बैठोगे। देखो आपने बहुत चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो किया, और जो बच्चे सुन रहे हैं इस बात को वो याद रखे कि आपने जो साल भर पढ़ाई की होती है वो काम आती है, बस उसका रिविजन जरूरी होता है। तो आपने उन सब चीजों को रिवाइज अच्छे से किया, और सबसे खुशी की बात यह कि आपने बोला कि डीयू जेएनयू बीएचयू देते समय आपने कोई प्रेशर नहीं लिया। हाँ। और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका अच्छा रैंक आया। उसी के कारण सर देखो डराने वाले ना बहुत मिलेंगे, जैसे एक एग्जाम खत्म हुआ ना तो भेड़ जैसा सब हाहाकार मचाएंगे बैठ के कि तुम्हारा खराब हो गया, सब खराब हो चुका है, अब तुम्हारा नहीं है जिंदगी। अब बिल्कुल पर आपको जवाब देना, एक शेर की दहाड़ी काफी होती है पूरे भेड़ को डराने के लिए। बिल्कुल सही सर, बात आपको एक जवाब देना है बस, बाकी सब घूम जाएंगे आपके पास ही घूम जाएंगे तुरंत कि आप तुमने ऑल इंडिया रैंक 13 लाया है भाई, अच्छा है। आप सब ये मानेंगे कि नहीं निमसेट का पेपर बिगड़ गया था, पर अगर ये प्रूफ नहीं होता तो वही कह रहा हूँ कि लोग आपके रिजल्ट से आपको आंकते हैं। तो शिव जैसे आपके चेहरे पे खुशी दिख रही, बहुत अच्छा लग रहा देख के, तो शिव सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्योंकि आपने काफी प्रेशर भी हैंडल किया, बहुत सारी लाइफ की सिचुएशन हुई, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर देखो ड्रॉप, सर आपका मेरे को एक जो था बोलते थे सेंटेंस बहुत याद रहता था, और उसी कारण मैंने शायद लास्ट ईयर एमएचसीटी में एडमिशन नहीं लिया। ओके। तो कि अपना वो साल मत बचाओ जो आगे के 10 साल और बनाने वाला है। बिल्कुल सही सर, बात है। ये लाइन बहुत अच्छे से याद था मुझे, तो मैंने वही मेरे को मोटिवेट किया कि मैं इस बार एक और बार ट्राई करूं 2020 के बाद। तो एक्चुअली यही है कि डरना नहीं है हमें, हमें मतलब प्रेशर भी बिल्डअप नहीं करना है, कुछ माइंडसेट भी नहीं करना है, हमें सिर्फ अपना बेस्ट देना है, और अगर जब तक तुम्हें लग रहा नहीं है कि तुमने अपना बेस्ट दिया नहीं है तब तक तुम ट्राई कर सकते हो। वो अंदर से फील आ जाती है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। और जो बच्चे फ्रेशर्स होते हैं, फाइनल ईयर अपेयरिंग होते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? फाइनल ईयर ऑब्वियसली सर डिफिकल्ट तो होता है, तो इसलिए मैंने भी उसके बाद ही ट्राई किया था, पर कभी कभी फील होता है कि साथ में अगर प्रिपेयर कर लिया होता तो
एक्चुअली क्रैकेबल है ना, तो हाँ ऐसा नहीं, क्योंकि सब चीज सेम ही आती है, मैथमेटिक्स हमें सिर्फ एक्स्ट्रा करना होता है, बाकी सब सेम ही आती है, तो मैनेजेबल होता है। और मैंने भी एक्चुअली जॉब के साथ ट्राई किया था 2020 में, हाँ तो ऑब्वियसली मैनेजेबल है, कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने ड्रॉप भी लिया था, प्रेशर में एक पेपर बिगड़ा फिर नहीं बिगड़ा, तो आप फाइनल टिप्स क्या देना चाहोगे जब कोई बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में जाए और पेपर दे रहा हो, तो क्या की पॉइंट हैं जिन पे आप बोलोगे कि मैंने ये गलतियां की हैं और मैं चाहूंगा कि आप लोग ये गलतियों को ना दोहराएं, ऐसे क्या की पॉइंट होंगे आपके? पहले तो एग्जाम में जा रहे हैं तो उसके पहले तो हमें माइंड पूरा क्लियर कर लेना है कि हमें कुछ सोच के नहीं जाना है, हमें जैसे पैटर्न बनाया था वैसे चलना है और हमें सब ध्यान रखना है। जैसे अभी निमसेट में मेरे साथ हुआ कि मैं वहां पे बैठा तो मुझे ऐसा था कि मैथ्स में चलते जाऊं करके, या फिर मैंने एक जोन ही टच नहीं किया, तो वो एक प्रेशर वैसा हम लोग को कुछ माइंड में रखना ही नहीं, हमें सिर्फ सोचना है कि जो आता है करते जाओ बस, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, तो फिर वो अपने आप पेपर अच्छा हो जाएगा। जैसे बाकी पेपर से मैंने वही किया कि जो आता है वो करते जाओ, बाकी मुझे अब मेरे को जो फर्क नहीं पड़ता है कि मिले या फिर ना मिले, मुझे पता है सिलेक्शन रेशो कम है, पर मैं ऐसा माइंडसेट नहीं रखूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा तो मिलने का चांस होगा, नहीं दूंगा तो फिर मैं रिग्रेट करूंगा बस, और कुछ नहीं है। तो निमसेट में मेरे को रियलाइज करा दिया फर्स्ट एग्जाम ने वैसा। चलो बहुत ही अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात बिल्कुल पक्की बात बोलूंगा कि जब कोई आपका इंटरव्यू सुनेगा तो ये आपकी एक सक्सेस स्टोरी बहुत अलग है, और आपने पूरा बिल्कुल कमबैक किया एकदम से, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और उस सिचुएशन में जब एक सेटबैक, क्योंकि इस बार सारे एग्जाम निमसेट के रिजल्ट के बाद हुए, तो एक रिजल्ट का कहीं ना कहीं प्रेशर आने के बाद भी आपने बाकी एग्जाम्स को एक फ्री माइंड दिया, उसका फायदा भी मिला। अब मैं आगे भी बोलूंगा कि अब आपको ये समझ में आ गया कि एक फेल होने से हम अपने जीवन की अंतिम हार ना मान लें, तो ये मैसेज आपके थ्रू बिल्कुल जाता है। तो शिव ऐसे ही आप आगे भी परफॉर्म करो अच्छे से, और डीयू में भी और आगे भी जीवन में, और वो बच्चे जो कि मिसगाइड या डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनके लिए एक आप आइडियल एग्जांपल हैं, एक आइडियल एग्जांपल सेट होंगे, उनको जरूर मोटिवेट और गाइड करो। सर थैंक यू सर। सर आपने आपने बहुत मतलब आपको देख के तो ज्यादा मोटिवेशन आता था कि आप जब सर इतना मेहनत करके आप ही जब 6 आवर्स स्टडी करा देते हो तो हमें तो और भी करना चाहिए, तो 8 to 12 hours का जो मोटिवेशन आता है वो आपसे देख के आता था, आप ही इतना मेहनत करते थे हमारे पीछे। थैंक यू बच्चे भी यही बोलते हैं, इंपिटस वैसे भी सबसे ज्यादा पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट में जाना जाता है, मतलब आप इतना पढ़ते हो इतना सीखते हो कि ये पूरे जीवन आपके काम आए, बस यही शुभकामनाओं के साथ। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।